हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम मिर्ची बाय रश्मि। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्राई कलर सैंडविच की ऐसी रेसिपी जो कि प्रोटीन रिच तो है ही, साथ ही अगर आप इसे घर में बनाएंगे तो आपके घर में बड़े बच्चे सबको ये बहुत पसंद आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट टिप इस रेसिपी को बनाने से पहले कि हमने इस रेसिपी में मायनीज की जगह रिप्लेस किया है हंग कर्ड से, यानी कि जमा हुआ दही जिसका हम पानी निकाल देंगे। आपको मायनीज की जगह एक चम्मच दही जिसका पानी निकाल के उसमें पनीर को मिक्स करना है। और ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज़ में बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपीज लेके आ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। तिरंगा सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ली है, पनीर के क्यूब्स लिए हैं। सबसे पहले 3 बाउल्स मैंने यहाँ लिए हैं, जिनमें से एक बाउल में मैं 1 चम्मच हंग कर्ड डाल रही हूँ, यानी कि दही का पानी निकालने के बाद डाल रही हूँ। मायनीज की जगह हमने इसे रिप्लेस किया है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। इसमें पनीर अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ ही यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी का 1 चम्मच लिया है छोटा, उसमें भी पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे और अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे। और तीसरे बाउल में हम धनिया चटनी, होममेड धनिया चटनी ऐड करेंगे ग्रीन कलर के लिए, उसमें भी पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे और अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे। अब एक चीज़ स्लाइस लेंगे जिसे हम ब्राउन ब्रेड के ऊपर रखेंगे, और एक ट्राई कलर के पैटर्न में हम इसे लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शेजवान चटनी वाले बाउल से पनीर के क्यूब्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, उसके बाद वाइट कलर के हम इसमें ऐड करेंगे, और सबसे एंड में हम ग्रीन कलर वाला जो बाउल है उसमें से हम ऐड करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रीन कलर कम लग रहा है, तो मैंने ऊपर से ग्रीन चटनी जो है वो थोड़ी और ऐड कर दी है ताकि ग्रीन कलर प्रॉपरली आ जाए। और हम इसे एयर फ्रायर में बेक करेंगे, और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे तवे पे भी कर सकते हैं, लेकिन तवे पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल धीमे होनी चाहिए, और तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। एयर फ्रायर में भी ये 7 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है, बहुत ही क्रंची इसका टेस्ट आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।